How are you? I hope you all are fine. Today I am taking the lesson of grammar, lesson 4. आज मैं आपको ग्रामर का लेसन 4 करवा रही हूँ. क्या टॉपिक है हमारा? नाउंस. हम लोग यूकेजी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं नाउन. व्हाट इज नाउन? एनी मीनिंग वर्ड, किसी का भी नाम नाउन में आता है. हिंदी में बोलते हैं संज्ञा. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, किसी थिंग का, मतलब वस्तु का, और किसी स्थान का. किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं. नाउन तो पढ़ चुके हैं, हमको बहुत अच्छे से आता भी है. नेमिंग माने किसी का नाम. आज मैं आपको नाउन के काइंड्स बता रही हूँ, काइंड्स ऑफ नाउन. तो टुडे आई एम टेकिंग जस्ट 2 काइंड्स ऑफ नाउन. ऐसे आगे बहुत सारे भी हैं, करीब टोटल 6 या 7 हैं, बट आज मैं आपको सिर्फ 2 बता रही हूँ. ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी. इसके 2 वीडियो बनेंगे और इसके एक्सरसाइजेस भी अपन 2 पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, तो अपन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. आज मैं आपको ले रही हूँ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन क्या होता है? नेम गिवन टू पीपल, एनिमल, प्लेसेस और थिंग विच आर ऑफ सेम काइंड. किसी भी एक ही जैसी चीज़ें हो, सब कुछ समान हो उनमें, तो उसको हम कॉमन नाउन से बुलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैन, अब हम सारे आदमियों को मैन ही बोलते हैं. गर्ल, सारी लड़कियों को गर्ल बोलते थे, कॉमन नाउन हो गया. बॉय, सभी लड़कों को बॉय बोला जाता है. सपोज चेयर है, तो सारी चेयर्स को हम चेयर, उनका कोई स्पेशल पर्टिकुलर नाम नहीं है, कॉमन नाम, एक आम भाषा में चेयर बोलते हैं. सपोज कोई शहर है तो सिटी, सिटी का नाम हो जैसे इंदौर, तो वो हो गया प्रॉपर. अगर किसी भी एक आम कॉमन चीज़, एक आम सब में समान थिंग के लिए, समान पर्सन के लिए, समान प्लेस के लिए कॉमन नाम होता है. फॉर एग्जाम्पल सिटी, बुक, कार, रिवर एक्सेट्रा. सारी नदियों को रिवर के नाम से संबोधित करते हैं. कार, सारी कार, इसका पर्टिकुलर कोई कार का नाम नहीं है. बुक, कोई भी सभी किताबों को बुक बोलते हैं. सिटी, सारी सिटी कॉमन नाउन है. सेम काइंड हो, जिसकी सेम एक जैसा हो, वो कॉमन नाउन में आता है. सेकंड है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन में क्या होता है? स्पेशल नेम गिवन टू पर्टिकुलर पीपल, एनिमल, प्लेसेस और थिंग. एक पर्टिकुलर पीपल, पर्टिकुलर प्लेस को हम नाम दे देते हैं, स्पेशल नाम देते हैं. जैसे सपोज इंदौर, हमारे शहर का नाम इंदौर है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, इसका स्पेसिफिक नेम हो गया. अब जैसे कि हमारे इंडिया, भारत कंट्री में हमारे कंट्री का नाम है इंडिया, तो ये इसका प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नेम है. तो किसी को स्पेशल उसके नाम से संबोधित करते हैं, उसकी आइडेंटिटी से, तो वो प्रॉपर नाउन में आता है. फॉर एग्जाम्पल इंदौर, अप्रैल, ताजमहल एक्सेट्रा. एक बिल्डिंग है, उसका स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम है, फेमस है हमारा मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ताजमहल. तो ताजमहल एक ही है, उसके जैसा और कोई नहीं है दुनिया में, एक अकेला है, स्पेसिफिक है, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन. ये किसमें आएगा? प्रॉपर नाउन. मेरा नाम पिंगला, तो मैं एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है मेरे अकेले का, पिंगला, तो मैं हो गई प्रॉपर. मेरा नाम क्या हो गया? प्रॉपर नाम. ठीक है, अब जैसे आपका नाम सपोज मीरा है, तो आपका भी नाम प्रॉपर में ही आएगा, क्योंकि मीरा आपका स्पेसिफिक नेम है, आपका खुद का नाम है. मैंने आज आपको कॉमन नाउन के 2 काइंड सिखाए हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन की काइंड सीखूंगी. तो चलिए अब अपन बुक की एक्सरसाइज से आगे के समझते हैं. सबसे पहली एक्सरसाइज है अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इन सेंटेंस में जो भी नाउन वर्ड्स हैं उसके नीचे की लाइनें लिखो. तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है? न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. अब न्यू दिल्ली भी हमारा नाउन है और इंडिया, दोनों के नीचे लाइन खींच गई, तो ये अंडरलाइन कर दिया हमने. सेकेंड है माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल. आपका सबसे मेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है? एप्पल. तो फ्रूट भी एक नाम है और एप्पल एक प्रॉपर नाउन हो गया, एप्पल ये नाउन है. कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. इसमें 3 नाउन है, कैमल, शिप, डेजर्ट. कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. आई हैव अ पेट कैट. इसमें कौन सा नाउन है? कैट. आगरा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. आगरा, रिवर, यमुना, ये क्या हो गया? 3 नाउन. किसी के भी नाम, किसी के भी नाउन को नेम को, नेमिंग वर्ड को नाउन को नाम बोलते हैं. किसी भी नाम, किसी भी किसका भी नाम हो तो नाउन में आता है. 6th है द ग्रास इज ग्रोइंग वेल इन द गार्डन. ग्रास और गार्डन, ये 2 नाउन है इसमें. 7th है आई बॉट ब्रेड एंड बटर. तो कौन सा नाउन अंडरलाइन करेंगे? ब्रेड एंड बटर. बी वाली एक्सरसाइज, बी वाली में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन फ्रॉम द बोर्ड.
यहाँ पे बोर्ड दिया, इसमें से नाउन फिल करके आपको करेक्ट नाउन लिखना है। द शिप गिव्स अस वूल, भेड़ हमें ऊन देती है, तो नाउन है शिप। माय स्कूल इज क्लोज टुडे, मेरा स्कूल आज बंद है। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, आसमान में तारे चमक रहे हैं। माय फेवरेट गेम इज हॉकी, मेरा फेवरेट गेम कौन सा है, हॉकी। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, पुल के नीचे से नदी बहती है। माय फेवरेट फ्रूट इज ऑरेंज, मेरा पसंदीदा फ्रूट ऑरेंज है। आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। ए गोल्ड स्मिथ मेक्स ऑर्नामेंट, सुनार गहने बनाता है। चुनमुन इज माई फ्रेंड, चुनमुन मेरी सहेली है। देयर आर मैनी पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स हैं। अब हमने यहाँ से बोर्ड से वर्ड चुन चुन कर और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में नाउन भर दिए, सबके नाम भर दिए। रिवर भी नाम है, ऑर्नामेंट्स भी नाम, स्टार, स्कूल, सब नाम है। अब नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपको जो सबसे अलग वर्ड है, जो नाउन नहीं है उस पर गोला लगाना है, जो नाउन नहीं है उस पर गोला लगाना है। फर्स्ट एक्स, एंट, पीजन, डॉल, फिल, इसमें सब नाउन सबके नाम है, केवल एक ही फिल ये वर्ब है, इसीलिए इस पर मैंने गोला लगा दिया। फिल माने भरना, सबके नाम है यहाँ पे एक्स, एंट, पीजन, डॉल। शिप, मून, स्टार, डाउन, गर्ल, डाउन कोई नाउन नहीं है, किसी का नाम नहीं है डाउन पे। शर्ट, ब्राइट, ट्राउजर, जीन्स, स्वेटर, ये सब नाउन है, ट्राउजर, जीन्स, स्वेटर। राइट एक वर्ब है, लिखना, ये वर्ब में आती क्रिया काम है, इसीलिए इस पे सर्कल लगाया। रैबिट, एक्सपेक्ट, ग्रास, एग, बॉल, इन सब ये सब नाउन है, इसमें एक्सपेक्ट ये वर्ब है, इसलिए इस पे हमने सर्कल लगाया। कोट, स्कूल, वाटर, रिमेन, पेन, रिमेन वर्ब नाउन नहीं है, कोई अलग वर्ड है, इसलिए रिमेन पे हमेशा होता है इसका मतलब, हमने गोला लगाया। बैग, क्लास, आर्मी, रिमेंबर, स्टार, रिमेंबर माने याद करना, ये आर्मी, क्लास, बैग ये सब नाम है, रिमेंबर अलग वर्ड है, नाउन नहीं है। बिकम, सिंगर, डांसर, ड्रेस, साड़ी, इसमें सबके नाम है, बिकम कोई नाम नहीं है। एक नंबर पे स्काई, डॉल, कारपेट, बुक। अपीयर, अपीयर माने शामिल होना, तो अपीयर अलग वर्ड है, तो इस पर हमने गोला लगा दिया। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। अभी मैंने बताया सबके आम, एक सबका कॉमन समान नाम को कॉमन नाउन बोलते हैं, प्रॉपर स्पेसिफिक नेम को बोलते हैं। तो ग्रैंडफादर कॉमन नाउन है, हिंदुस्तान टाइम प्रॉपर नाउन, पेपर का न्यूज़पेपर नेम है हिंदुस्तान टाइम। माय ग्रैंडफादर रीड्स द हिंदुस्तान टाइम्स इन द मॉर्निंग, मेरे दादाजी सुबह हिंदुस्तान टाइम पढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान टाइम पर्टिकुलर पेपर का नाम है, इसलिए प्रॉपर में आ गया, ग्रैंडफादर कॉमन में। शी स्टेज इन आगरा, आगरा सिटी का नाम है, प्रॉपर शी कॉमन। माय बर्थडे इज इन जुलाई, जुलाई स्पेसिफिक मंथ है, तो प्रॉपर में आया, बर्थडे कॉमन में। दिस पोयम इज कंपोज बाय वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ राइटर का नाम है, फेमस राइटर है, तो इनका प्रॉपर नेम हो गया, और पोयम तो कॉमन है, सभी कविताओं को पोयम बोलते हैं। जिराफ हैज स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी, जिराफ की बॉडी के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, तो जिराफ कॉमन नाउन है, और बॉडी, सॉरी, जिराफ प्रॉपर नाउन है, बॉडी कॉमन नाउन, जिराफ तो पर्टिकुलर एनिमल है। रिहान एंड बिहान प्ले क्रिकेट इन द पार्क, रिहान बिहान सबके नाम है, तो जो भी नाम होता है वो तो प्रॉपर में ही आते हैं, क्रिकेट और पार्क कॉमन है। फ्यू स्कूल्स रिमेन ओपन ऑन सैटरडे, कुछ स्कूल सैटरडे को ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं, तो स्कूल कॉमन है और सैटरडे प्रॉपर। आई विल विजिट ऑस्ट्रेलिया इन जून, ऑस्ट्रेलिया और जून प्रॉपर नाउन है। अब लास्ट में मैचिंग है, मैचिंग में आपको बस आप उनको क्या बताना है, कौन सी सिटी है, कौन सी कंट्री है, ये बताना है। सिटी चेन्नई, कंट्री जापान, रिवर इसमें कौन सी है, रिवर का ब्रह्मपुत्र है, और होटल, एक होटल का नाम कौन सा भी दिया है यहाँ पे, रॉयल कॉन्टिनेंट होटल है, तो अपन को मैच करना है कौन होटल है, कौन सी रिवर और कौन सा किसी का नाम है। मैन कौन है इसमें, मैन हमारा रामकुमार है, और गर्ल कौन है, गर्ल दिव्या। कार्टून कैरेक्टर का नाम कहाँ पे ढूंढना है अपन को, मिक्की माउस। और लास्ट में कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। तो ये मैचिंग बहुत ईजी थी, कॉमन से प्रॉपर नाउन को मैच द कॉमन नाउन टू द प्रॉपर नाउन, और अपन ने ढूंढ ढूंढ के कर लिया। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको आज आधी करवा रही हूँ, बहुत लेंदी है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेंगे। अब आप जब तक इसको PDF भेजूंगी, उससे आपको अपनी इसको बुक में ही करना है, बार बार बोलती हूँ बुक का काम बुक में करिए, कॉपी में नहीं लिखना है, आप सब लोग इसको बुक में ही फिल करेंगे। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। Till then, take care. Bye-bye.